WHG. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल में जिसका नाम है WWE हिंदी गॉसिप्स। दोस्तों, आपको ये पुराने वाला इंट्रो काफी पसंद था तो मैं फिर से ये लेकर आ गया हूँ। कई सब्सक्राइबर्स ने कमेंट सेक्शन में मुझसे कहा कि सर वो पिछले वाला इंट्रो काफी अच्छा था, तो दोस्तों आपको ये इंट्रो कैसा लगा? मैंने इसमें थोड़ी सी मिक्सिंग की है, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। दोस्तों, हाल ही में जिंद्रमाल का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उनसे जब पूछा गया कि बॉडी बिल्डिंग में आपको किसने इंस्पायर किया, तो उन्होंने जवाब दिया सलमान खान ने। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन से वो सलमान खान की फिल्में देखते आ रहे हैं और हमेशा से वो सलमान खान जैसा बनना चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि सलमान खान की एस्थेटिक बॉडी उन्हें हमेशा से आकर्षित करती आई है। साथ ही साथ दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड का सुपरस्टार है जो कि रेसलिंग में ट्राई कर सकता है, तो उन्होंने कहा ऐसा सिर्फ एक ही सुपरस्टार है और वो है अक्षय कुमार। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार मार्शल आर्ट जानते हैं, साथ ही साथ वो अच्छी खासी कदकाठी के भी है, तो वो रेसलिंग में अपना हाथ अजमा सकते हैं। वहीं दोस्तों, उन्होंने ट्विटर पे टाइगर जिंदा है जो कि अपकमिंग मूवी है जो शायद आज रिलीज होने वाली है दोस्तों, उसके लिए सलमान खान को बधाई भी दी। दोस्तों, टाइगर जिंदा है का पता नहीं, लेकिन अब हम आएंगे अपने मुद्दे की बात पे। हमने काफी गॉसिप्स कर ली, अब हम बात करेंगे जिंद्रमहल पे। तो दोस्तों, कई सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये भी पूछा कि जिंद्रमहल की क्लैश ऑफ चैंपियंस में जो हार है उनसे क्या उन पे कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या उनका पुश खत्म होगा? तो दोस्तों, इसका एक ही जवाब है, उनका पुश तो खत्म हो सकता है, लेकिन जिंद्रमहल ने जो इज्जत पाई है दोस्तों, उससे ये कहना सिंपल होगा कि जिंद्रमहल अब वैसा नहीं रहेंगे जैसे वो पहले थे, और ऐसा नहीं होगा कि वो वापस लौट जाएंगे दोस्तों जैसे वो पहले थे। वैसा WWE उन्हें नहीं बनाने वाला है, जैसे कि आपने देखा कि कैसे क्लैश ऑफ चैंपियंस में उन्होंने एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी AJ स्टाइल्स के खिलाफ दोस्तों। तो ये सिंपल सी बात है, जिंद्रमहल अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। हालांकि हो सकता है दोस्तों कि इनका पुश है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, उन्हें ज्यादा टाइटल के लिए मैचेस ना मिले दोस्तों, लेकिन वो वैसे नहीं है रहेंगे जैसे कि वो पहले थे। वो अच्छे से फाइट करेंगे क्योंकि दोस्तों जिंद्रमहल एक बेहतरीन हील रहे हैं। कई स्पोर्ट्स के जानकारों ने उन्हें 2017 की सबसे बेस्ट हील भी कहा है दोस्तों, तो जिंद्रमहल आगे अच्छा करेंगे। आज तक के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद। शब्बा खैर, और कोई सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।